ये मेरा बचपन का एक ख्वाब था जो नेचर से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और बचपन में जो पेड़ पौधे मैंने देखे हैं, मतलब 400-500 साल पहले वाले जो पेड़ थे उसको काटते हुए देखा है, तो वो जो तकलीफ़ थी मन में कि कोई अपने बेटे को कैसे काट सकता है, और किसी ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और हमने एक सेकंड में काट दिया, तो एक्चुअल में हम अपने बच्चों को ही काटते चले जा रहे हैं। वही सोच मुझे लेकर के आई म्यूज़िक में, और मैं म्यूज़िक से जब गाना सीखना स्टार्ट किया तो गाना सीखते सीखते फ़िलासफ़ी की स्टडी शुरू की, और वो भी खुद की फ़िलासफ़ी। एक तो होता है दुनिया का स्कूल, एक होता है उस मालिक का स्कूल, वो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई करते करते आया 91 में, सोचा था कि मैं बैंड बनाऊंगा एक, बैंड ऑफ बंदगी के नाम से। वो करते 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 मेरे दोनों स्टूडेंट्स आज मेरे साथ हैं, सीखे मेरे आज भी सीखे रहे हैं, 12-13 साल हो गए। मेरा ब्रदर है, स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट हैं। बचपन से जो ख्वाब लिया था इसमें मेन पिलर खड़े हुए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, अकॉर्ड का स्थान बन जाता है यहीं से। सायन तन जोड़ा, सोमूद आए, बॉम्बे आए, ये लोग जुड़ते चले गए। थिंकर्स 7 साल पहले मेरा शो कराया था, राहुल जुड़ा मेरे साथ, कर्मा जंक्शन जुड़ी, AK प्रोडक्शन हाउस जुड़ा इस प्रोजेक्ट के द्वारा, क्योंकि मैसेज बहुत लंबा था जो मैं लेके आया, वो मेरी एक सोच थी, उस सोच में इन्वॉल्व होते चले गए सारे, और एम्पायर बनता चला गया। और ये एम्पायर मेरे को वर्ल्ड म्यूज़िक में लेके जाना है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि मैं यहाँ की बात जा करके वहाँ कर सकूँ। YouTube पे हमने आपका वीडियो देखा, हाँ जी, बहुत पसंद आया, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि तकलीफ जो थी वो आपने दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एम था, मतलब किस तरह से आपका ये पूरा आपने सोचा कि मुझे इसका बनाना है? नहीं, मैं कुछ नहीं सोचा। मैं लखनऊ में था, अखिलेश यादव जी मेरे को बुलाए थे किसी इवेंट के लिए, मैं वहाँ गया तो 45 मिनट तो एयर में घूम रहा था मैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया तो मैंने फ़्लाइट में मौत को करीब से देखा, लोगों को एक्साइटमेंट, तो मैं बोला इतनी डर लगते हैं आपको, तो मौत का उल्टा मतलब क्या, तमो तुम हो, कभी अपने आप को पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने, इसलिए आपको डर लगा। तो वो एक्साइटमेंट मैं देखा, और वो देखने के बाद मैं होटल पहुँचा। होटल पहुँच के जब मैंने TV देखा तब मुझे अपनी नानी याद आई, क्योंकि 1934 में एक भूकंप आया था, तब मेरी नानी प्रेग्नेंट थी, और पूरी छत गिर गई, दोनों हाथ, दोनों पाँव, सर फट गए, उसके बावजूद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। और मेरी नानी अभी 102 साल में डेथ हुई है, 2000 में। मैं सीधा वो देख करके TV मैं बैक टू बैक पीछे चला गया कि अगर नानी नहीं होती तो मैं भी नहीं होता आज। वो कहीं ना कहीं इनसे इंसिडेंट जो था वो मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं दूसरे दिन यहाँ पहुँचा 12 बजे, 2 बजे मैं बैठ गया मेडिटेशन में, रात को 11:30 बजे जो थाट्स आए वो मैंने डायरेक्टर अभिषेक को सुनाया, फिर मैंने राइटर को सुनाया, पूरी रात बैठ के गाना किया। दूसरे दिन में ट्रैक वगैरह रेडी हो गया, सायन तन को फ़ोन किया रात को, सायन तन कल आजा 10 बजे फटाफट, ऐसे करना है। सबने अपनी अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये गाना नहीं है, ये एक प्रे है, और इस प्रे में कैसे लोग जुड़ते चले गए मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि हिंदुस्तान के सारे FM जो फ्री में बजा रहे हैं गाना, इन सिंह चैनल है ना, वो बजा रहे हैं, और इतनी सारी टीम अचानक आके खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं से वो मालिक आपसे कुछ करवाना चाहता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे 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 मतलब मेरी स्टडी चल रही है, मैं पिछले 1-1.5 महीने से सोया नहीं हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे, उसको सोना नहीं कहते, सोया हुआ हूँ, तब भी मेरे दिमाग में मेरा 35 साल दिख रहा है कि जिस स्टेज पे मुझे बैठना था बैंड ऑफ बंदगी को लेकर के, उसके लिए मुझे 35 साल लगे। और सेंट एंड्रयूज़ 11 जून को बैंड ऑफ बंदगी की वो प्रेजेंटेशन होने वाली है जो मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। और उसमें कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग जुड़े हैं, वो इस जन्म का रिश्ता नहीं, शायद पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता होगा, तभी हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ में। और मैक्स का इतना शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपने तरफ से जो कपड़े दे रहे हैं, जितनी भी मतलब अंदर से उनकी मन हो रही है कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं। मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम के साथ रहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैक का, कि सब अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ना 11 तारीख को, इसका एक सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि हम जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका जितना भी फंड है वो नेपाल में जाएगा, नेपाल के विक्टिम्स के लिए, और हम खुद जाकर उनको ये हैंड ओवर करेंगे कि आप लोगों की हेल्प के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी सोच है इसको लेकर। बहुत ही लाजवाब सोच है, बहुत अच्छा काम करने आप जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से वीडियो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचने का आपने कैसे सोचा? मैं जानना चाहूँगा। हाँ, इन शॉर्ट, क्योंकि आपको कहीं पेन हुआ, कहीं तकलीफ हुई, लोगों का दर्द आपने देखा और आपने वीडियो के जरिए बयान किया। क्योंकि मेरा जो बचपन है वो नेपाल में ही बीता है। मेरे डैडी की पोस्टिंग थी, 30 ईयर्स रहे वहाँ पर, मैं 10th तक पढ़ा हूँ वहीं पर, तो कहीं ना कहीं मेरा बचपन था वहाँ पर। वो बचपन जो अटैचमेंट था वो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कोशिश की कि मेरे को मैसेज देना चाहिए। उस मैसेज में लाइन क्या थी कि रूह कंब दी खैर मंग दी है मेरे मौला। उनको देख करके रूह कांप गई, उनके लिए दुआएं मांग रहा हूँ। मौज तेरे किस रंग दी ऐ मेरे मौला, मच गई हाहाकार पै गया रौला। क्यों लोगों ने नेचर को बिगाड़ दिया है। वो मालिक कहता मैं इंजन हूँ, बाकी तुम सब डब्बे हो, सो इसलिए मुझे देखो। और कोई भी नहीं देख रहा है, सिर्फ हाजिरी पूरी कर रहे हैं। सुबह उठे, नहा धो के धूपबत्ती दिखा दी है, वो नहीं कहता मुझे दिखाओ। उठे, हमने नमाज पढ़ ली, हमने पाठ पूजा कर लिया, वो नहीं कहता तुम मेरी करो। इबादत तो हर सेकंड करनी है अपने आप से बात करके, ताकि मेरे विचार वहाँ तक जाएं। और यही माला है। कबीर जी कौन सा पढ़े लिखे थे, पर उनका कनेक्शन जो था वही कनेक्शन तो आज हमारे बीच में इतना बड़ा ग्रंथ दे गए हैं। सिर्फ सोचने का मुद्दा है कि हम स्वार्थ में जी रहे हैं, खुद में नहीं जी रहे। बस फर्क इतना है बैंड ऑफ बंदगी में। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपका गिटारिस्ट भी आ गया है। Kochi ji, thank you so much for coming here. My media friends, thank you so much for all of you for coming here today. To start the proceedings, I would like to invite Mr. Piyush Sharma, the General Manager, Operations West, Max Retail. To you all, we have assembled here today to announce our association with Smarts and Thinkers. As an organization, we have been trying to do our bit by donating the garments for whatever problem Nepal has seen in recent past. We really thank the Koji ji for taking out time to come here, and we would have liked to know from him as to he already told us about the what has gone behind this concert, fundraising concert which he is doing. We have been very, very happy to get associated with the Smarts. We also have with us the Babita Verma, the president. They're coming. They're coming. Okay. They're coming. So we will wait for Babita and Anand Tiwari ji to come and join us. I would ask that everybody is waiting very eagerly for some time to listen to the tunes. ये जो हम लोग थोड़ी सी आवाज कम करेंगे, मेरा आवाज वैसे बहुत खुला हुआ है ना। तो ये अर्थक्वेक का जो गाना है, 2 लाइन सुनाता हूँ। जर भी लुटे ज़मीरी भी लुटी, जर भी लुटे